Good morning students, I'm Asha Gautam, your English teacher. Today we are going to start a new topic of English grammar, that is simple tense. Simple tense include present, past and future as well. So what is simple present tense? When we talk about things that happen every day or often, we use the simple present tense. जब बात करते हैं चीजों की जो रोज होती हैं, लगातार होती हैं, तब वहाँ पे हम simple present tense use करते हैं. सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज़ करने का फॉर्मूला होता है, रूल होता है कि हम कैसे सिंपल टेंस बोल रहे हैं या बना रहे हैं, उसके लिए रूल होता है. रूल है, जब भी आप टेंस बनाते हैं तो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है. जब सिंगुलर सब्जेक्ट मींस ही, शी, इट, नेम, तब क्या रूल होता है? फर्स्ट सब्जेक्ट आता है पहले सेंटेंस में, फिर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ई एस एड करते हैं और देन ऑब्जेक्ट. लेट्स टेक एग्जाम्पल, शी गोज टू स्कूल डेली. वह रोज स्कूल जाती है. यहाँ शी सिंगुलर सब्जेक्ट है और गो वर्ब है फर्स्ट फॉर्म और ई एस लगाया, क्योंकि यहाँ सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ हमने कहा है एस और ई एस पुट ऑन करना है. वह रोज स्कूल जाती है, क्लियर. सेकंड इज द सन राइजेज इन द ईस्ट. द सन सिंगुलर सब्जेक्ट है यहाँ पर और राइजेज ई एस पुट ऑन किया है हमने सिंगुलर के साथ बिकॉज ऑफ रूल. सन राइज करता है, निकलता है ईस्ट में, क्लियर. सेकेंड रूल प्लूरल सब्जेक्ट के लिए, जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है. प्लूरल कब होता है? जब आई, वी, दे, यू, क्लियर. सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है तब वहाँ पे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस और ई एस हम ऐड नहीं करते. लाइक आई लिसन टू यू एवरी डे. यहाँ पे आई है प्लूरल है और लिसन फर्स्ट फॉर्म ही है. मैं तुम्हें रोज सुनता हूँ. दे लर्न देयर लेसन. वे अपना लेसन सीखते हैं, क्लियर. सिंपल पास्ट टेंस. व्हेन वी नीड टू टॉक अबाउट थिंग्स दैट हैव ऑलरेडी हैपन्ड वी यूज द सिंपल पास्ट टेंस. जब बात करते हैं कि जो काम पहले हो चुका होता है तब हम वहाँ पे पास्ट टेंस की यूज बात करते हैं. अब पास्ट टेंस को किस तरह से बनाया जाता है, क्या रूल है इसका, लेट्स सी. ये रूल सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट दोनों में यूज किया जाता है. सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. लेट्स टेक राम एट द फूड. राम ने फूड खाया. अब ये पास्ट की बात हो चुकी है कि राम ने फूड खाया. अब यहाँ ईट होती है हमारी फर्स्ट फॉर्म और यहाँ क्या है, एट. एट सेकंड फॉर्म है तो सिंपल पास्ट में हम सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं वर्ब में, क्लियर. सेकंड, दे लिव्ड इन पेरिस. यहाँ लिव की सेकंड फॉर्म है लिव्ड, तो वे पेरिस में रहते थे, क्लियर. सिंपल फ्यूचर टेंस. वी यूज द सिंपल फ्यूचर टेंस टू टॉक अबाउट थिंग्स दैट विल हैपन इन द फ्यूचर. जब हम सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज करते हैं तो वहाँ पे जो काम होता है वो आगे फ्यूचर में होना होता है, तब वहाँ पे हम सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज करते हैं, क्लियर. रूल, ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए वर्क करता है सब्जेक्ट में. सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. फर्स्ट एग्जाम्पल, आई शैल गो टू हिम माई सेल. आई शैल, यहाँ पे हमने शैल और विल यूज करा है, मीन्स यहाँ पे फ्यूचर की बात हो रही है. मैं वहाँ पर खुद जाऊँगा, तो यहाँ जाऊँगा, गा गी गी. जब इस तरह के लास्ट में आता है तो वहाँ पे हम फ्यूचर की बात करते हैं, तो मैं वहाँ पे खुद जाऊँगा. ही विल नॉट कम सर. वह नहीं आएगा सर. यहाँ आएगा यानी कि फ्यूचर की बात करें कि फ्यूचर में नहीं आएगा सर, क्लियर है. विल और शैल का हमारा यूज. नेक्स्ट इज मॉडल्स, कैन एंड मे. मॉडल्स आर ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सिलरी वर्ब, सहायक क्रिया. कैन इज यूज टू टॉक अबाउट अ पर्सन्स एबिलिटी और इनएबिलिटी टू डू समथिंग. कैन बात करता है एक पर्सन की एबिलिटी मीन्स योग्यता की और इनएबिलिटी अयोग्यता की, कि वो इस काम को कर सकता है या नहीं कर सकता, ये योग्य है या अयोग्य है. इट इज़ ऑल्सो यूज टू से दैट समथिंग इज पॉसिबल. ये तब भी यूज कर सकते हैं, हम करते हैं कैन को, कि कुछ चीज़ होनी हो सकती है, पॉसिबल है कि ऐसा हो सकता है, तब भी हम कैन को यूज़ करते हैं. लाइक कैन यू सिंग लाइक हिम. क्या तुम उसकी तरह गा सकते हो? तो यहाँ पॉसिबल कर रहे हैं हम कि क्या पता वो गा सकता हो, तो यहाँ पॉसिबिलिटी शो हो रही है. कैन यू सिंग लाइक हिम, क्या तुम उसकी तरह गा सकते हो. सेकेंड, रिया कांट प्ले द गिटार. रिया
गिटार प्ले नहीं कर सकती, कांट, यहाँ पे उसकी इनएबिलिटी को शो कर रहा है कि वो नहीं बजा सकती गिटार को, क्लियर। नेक्स्ट इज मे। मे इज यूज टू आस्क पोलाइट क्वेश्चंस और टू से दैट यू आर नॉट श्योर। मे हम यूज करते हैं जब हमको पोलाइटली कोई क्वेश्चन करना होता है या हम किसी बात को लेकर श्योर नहीं होते, तब हम मे यूज करते हैं वहां पर। बोथ कैन एंड मे आर यूज टू आस्क और गिव परमिशन। कैन और मे दोनों ही परमिशन लेने या देने के लिए यूज कर सकते हैं। मे इज मोर पोलाइट एंड फॉर्मल देन कैन। मे हम यूज तो दोनों कर लेते हैं लेकिन जब बात आती है कि कौन सा ज्यादा अच्छा है, तो जो मे है वो ज्यादा पोलाइट होता है, ज्यादा आपको सॉफ्ट स्पोकन लगता है जब हम मे यूज करते हैं रेदर देन कैन। एग्जाम्पल, मे आई बोरो अ बुक फ्रॉम योर लाइब्रेरी। क्या मैं तुम्हारी लाइब्रेरी से एक बुक बोरो कर सकता हूँ? तो यहाँ देखो कितनी पोलाइट से उससे पूछ रहा है कि क्या मैं ले सकता हूँ। नेक्स्ट इज कैन आई गो आउट टू प्ले नाउ। क्या मैं बाहर खेलने जा सकता हूँ? यहाँ पे ये क्वेश्चन कर रहा है, पूछ रहा है। क्लियर है दोनों सेंटेंस? हेयर इज एन एक्सरसाइज, इन दिस यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स विद कैन और मे। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। कीप प्रैक्टिसिंग एंड डू ऑल द एक्सरसाइज टू अंडरस्टैंड इवन बेटर। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम आशा गौतम, योर इंग्लिश टीचर। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट पार्ट टू ऑफ द टेंसेस। बिफोर वी बिगिन, लेट्स हैव अ लिटिल रिकैप ऑफ व्हाट वी डिड इन अवर लास्ट क्लास। सो व्हाट इज सिंपल टेंस? व्हेन वी टॉक अबाउट थिंग्स दैट हैपन एवरी डे और ऑफन, वी यूज दिस सिंपल प्रेजेंट टेंस। जब हम बात करते हैं चीज़ों की जो रोज होती है या अक्सर होती है, तब हम उनके लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करें। सिंपल पास्ट टेंस, व्हेन वी नीड टू टॉक अबाउट थिंग्स दैट हैव ऑलरेडी हैपेंड, वी यूज द सिंपल पास्ट टेंस। जब हम बात करते हैं थिंग्स की जो पहले हो गई थी, तब हम उसके लिए सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं। सिंपल फ्यूचर टेंस, वी यूज अ सिंपल फ्यूचर टेंस टू टॉक अबाउट थिंग्स दैट विल हैपन इन द फ्यूचर। जब हम थिंग्स की बात करते हैं जो फ्यूचर में होंगी, तब हम उसके लिए सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज करते हैं। क्लियर? सो लेट्स कंटिन्यू नाउ विद पार्ट टू, सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस इज यूज टू डिस्क्राइब अ कंटिन्यूड और एन ऑनगोइंग एक्शन ऑफ द प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का हम यूज करते हैं डिस्क्राइब करने के लिए कि जो काम है, जो थिंग्स है, वो कंटिन्यूड है, वो चल ही रही है, जो एक्शन है वो ऑनगोइंग है, वो प्रेजेंट में काम चल ही रहा होता है, तब वहाँ पे सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को यूज करते हैं। क्लियर? रूल वन, सब्जेक्ट प्लस इज एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट। ये रूल सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए यूज होता है। ही शी इट इसके लिए यूज होता है और एम आई के लिए होता है। यू नो वेरी वेल नाउ। एग्जाम्पल वन, आई एम वॉशिंग माई शर्ट। मैं अपनी शर्ट धो रहा हूँ। यहाँ देखिए जो एक्शन है वो प्रेजेंट में ही है कि वो प्रेजेंट में अपनी शर्ट को धो ही रहा है। एम यूज़ किया है क्योंकि आई है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ने आई एन जी हमने यहाँ पे पुट ऑन किया है। क्लियर? लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल। शी इज स्लीपिंग, वह सो रही है, यानी कि प्रेजेंट में ही सो रही है, इसलिए आई एन जी और यहाँ पे इज भी है। तो इससे आपको ये क्लियर होता है कि एम है और इज है, तो ये प्रेजेंट की बात होती है और आई एन जी है तो कॉन्टिन्यूस होता है। क्लियर? रूल सेकेंड, सब्जेक्ट प्लस आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट फॉर प्लूरल सब्जेक्ट। जहाँ सब्जेक्ट प्लूरल होता है वहाँ पे आर यूज होता है, जैसे दे, यू, वी, इनके साथ आर यूज होता है। लाइक दे आर वॉकिंग इन द लॉन, वह लॉन में घूम रहे हैं। दे है इसलिए आर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है आई एन जी और ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। सेकेंड, यू आर ईटिंग सम फ्रूट, तुम कुछ फ्रूट खा रहे हो। आर है, यू यूज किया है और अगेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी। क्लियर है आपको सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस? ओके, सिंपल पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। सिंपल पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस इज यूज टू मेंशन एन ऑनगोइंग एक्शन ऑफ द पास्ट। सिंपल पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हम यूज करते हैं जो थिंग्स होती है वो पास्ट में हुई होती है। ऑनगोइंग एक्शन ऑफ द पास्ट, पास्ट का ऑनगोइंग एक्शन होता है,
तब वहाँ आप सिंपल पास्ट कॉन्टिन्यूअस एंड यूज करते हैं, टेंस यूज करते हैं। रूल वन, सब्जेक्ट प्लस वॉज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट। जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है वहाँ पे हम वॉज यूज करते हैं, अगेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing यूज करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल इज ही वॉज वेटिंग फॉर यू, वह तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तो यहाँ था की बात हो रही है, पास की बात हो रही है, और कॉन्टिन्यूस का वो कर ही रहा था तुम्हारे पास में वेट। क्लियर है, वॉज यूज किया है फर्स्ट सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए और अगेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। सेकंड एग्जांपल, अमित वॉज रिपेयरिंग द कार, जो अमित है वो कार को रिपेयर कर रहा था। ये पास की बात है कि पास में कर रहा था, वॉज क्लियर है आपको और आईएनजी। रूल सेकंड, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट फॉर प्लूरल सब्जेक्ट। जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो वहां पर वर्ब यूज करते हैं सिंपल पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। फर्स्ट एग्जांपल इज द चिल्ड्रन वर शाउटिंग स्लोगन्स, जो चिल्ड्रन थे जो स्लोगन्स थे वो शाउट करके चिल्ला चिल्ला गा रहे थे। अब चिल्ड्रन है एक से ज्यादा है और इसलिए हमने वर्ब यूज किया है। दे वर ईटिंग चॉकलेट, वह चॉकलेट खा रहे थे। अगेन ये पास का है इसलिए हमने वर्ब यूज किया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज किया है। क्लियर है आई होप। नेक्स्ट इज सिंपल फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। सिंपल फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस रिप्रेजेंट्स अ कॉन्टिन्यूअस एक्शन विच विल हैपन इन द फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस रिप्रेजेंट करता है जो एक्शन है वो कॉन्टिन्यूस होता है, लेकिन कब होगा, वो फ्यूचर में हैपन होगा। क्लियर। रूल, सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट फॉर सिंगुलर एंड प्लूरल सब्जेक्ट। ये रूल सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट दोनों के लिए यूज होता है सिंपल फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में। लेट्स टेक अ फर्स्ट एग्जांपल, ही विल बी फीलिंग गुड टुमारो, वह अच्छा महसूस करेगा कल। अब यहाँ फ्यूचर की बात करें कि कल वो अच्छा महसूस करेगा, इसलिए हम विल बी यूज करा है, क्यों, कॉन्टिन्यूअस के लिए कि वो कल अच्छा महसूस करेगा। सेकेंड इज आई विल बी राइटिंग अ रिपोर्ट, मैं एक रिपोर्ट लिख रहा हूंगा। मैं यानी कि फ्यूचर की बात कर रहा है कि वो कल फ्यूचर में एक रिपोर्ट लिख रहा होगा, कॉन्टिन्यूस की बात कर रहा है कि रिपोर्ट लिख ही रहा होगा। थर्ड इज दे विल बी वर्किंग देयर, वह वहां पे काम कर रहा होगा, यानी कि कर रहा होगा कॉन्टिन्यूस की बात है कि काम कर ही रहा होगा, लेकिन वहां बात हो रही है विल बी मीन्स फ्यूचर की बात हो रही है। क्लियर। Here is an exercise, fill in the blanks by using simple future continuous tense. यहाँ आपको fill-ups दिए हैं, आपको simple future continuous tense के rule के according यहाँ पे fill करने हैं। और इससे पहले भी exercise इसमें आपको simple present continuous tense को fill करना है और फिर उसके बाद simple past continuous tense के fill-ups। Clear है। I hope you have understood tenses well now. For better understanding, keep practicing. Thank you.